जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, जानकारी अपडेट देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में जो है 200 से अधिक पदों की भर्ती सीजीपीएससी ने चली एक नई तरकीब। शुरू में सीजीपीएससी में 189 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फिर ये भर्ती 200 से अधिक पदों पर जो है हो चुका है। तो इस समय की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लग सकता है सबसे बड़ा झटका। अब जो है 50% तक होगा आरक्षण। शुरुआत में जो है 19 सितंबर को बिलासपुर हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया और उन्होंने जो है 58% आरक्षण को रद्द कर दिया था, फिर 50% आरक्षण हुआ, उसके बाद जो है फिर से 76% आरक्षण तक जो है जा पहुँचे हैं। और विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण मामले में एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें 76% आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। लेकिन फिर से अब जो है छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लग सकता है सबसे बड़ा झटका, 50% तक ही होगा आरक्षण। और इससे क्या होगा, 12,489 शिक्षक भर्ती भी आपका जो स्थगित हो सकता है आरक्षण मामले में। जी हाँ, एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट देखने को मिल रहा है। देखिए, शुरुआत में 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 18 सितंबर को सीजीटेट एग्जाम्स हुआ था, फिर 6 अक्टूबर को मॉडल आंसर आया, 11 अक्टूबर को दावापत्ति करने का समय था, 21 अक्टूबर को रिजल्ट आया। तो ये सभी चीज़ें आपका आ चुके हैं। लेकिन जो भर्ती परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का आपका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण मामले के वजह से, क्योंकि आरक्षण मामले जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये भर्ती नहीं होगा। आप लोगों के लिए 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन तो जारी कर देंगे, लेकिन जब तक आरक्षण रोस्टर तैयार नहीं होगा, भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरा तैयारी नहीं होगा, पूरा फार्मूला, तब तक जो है नहीं निकालेंगे कोई भी वैकेंसीज। और आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा का देख चुके हैं। एसआई भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को एग्जाम्स होने वाला था, एसआई सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक का, और एसआई भर्ती परीक्षा के प्री एग्जाम्स के लिए जो है 70,000 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं। 70,000 स्टूडेंट जो है एसआई भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन आपके आरक्षण मामले की वजह से ही ये सभी भर्ती परीक्षा जो है आपका स्थगित हो गए, निरस्त हो गए, जिसके वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, छात्रों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते, स्ट्रगल करते, धीरे धीरे करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते, और उसके बाद जब आरक्षण मामले में भर्ती परीक्षाओं पर स्थगित स्टे लगाया जाता है, जिसके वजह से छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, और वो यही सोचते हैं कि कब जो है ये सभी आरक्षण मामला सॉल्व हो और वो भर्ती परीक्षा में फिर से शामिल हो सके, भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सके। तो छत्तीसगढ़ में अब 200 से अधिक पदों पर सीजीपीएससी में भर्ती होने वाला है और आने वाले समय में 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा आपके आरक्षण मामले में कोई नई अपडेट देखने को मिल सकते हैं, तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसी, नई नई भर्ती अपडेट जो है निकल के आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके सभी जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम्स के लिए, तो 150 प्रश्न। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपके जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको जितना हो सके माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बचकर रहना, और 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर कट जाता है, इसी को बोलते हैं आपके माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सके, एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सके, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही नंबर होता है जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, आप कभी भी ये मत सोचने कि यार एक नंबर का तो क्वेश्चन है, इसे नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा, बाकी को तो पढ़ लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। एक एक नंबर आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, तो एक नंबर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। यदि आप अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका एक बेहतर रिजल्ट है, इसका एक बेहतर इम्पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप लोगों का सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि ये चीज़ मुश्किल है, वो चीज़ मुश्किल है, असल में मुश्किल जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है।
बस आप लोग मेहनत ही नहीं करते, आप लोग तैयारी ही नहीं करते, इसी वजह से हमको जो है बहुत मुश्किल लगता है। इसके साथ हिंदी तो दिल्ली एस अकेडमी के बुक्स हिंदी की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे तैयारी। तो काफ़ी स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि यार मैथ्स है, मैथ्स का कहाँ से सॉल्व हो जाएगा। गणित के क्वेश्चन जो अंकगणित रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गणित के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जब डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो हमको मैथ्स के बारे में कम्प्लीट ए टू जेड नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप मैथ्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज होने वाला है। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना, अपने आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, तो आपको इसका एक बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा और आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है, तैयारी करना है। तो देखिए, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी जब आप लोग करते हैं, तो आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि इसमें हार हो गई या जीत। आप जो है स्टार्ट तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। स्टार्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, स्टार्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। तो आप जो है शुरुआत तो कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा और आपको भी कामयाबी, नाम फेम, पैसा, सक्सेस जो है ज़रूर मिल पाएगा। तो सक्सेस, कामयाबी को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा।